रुद्राक्ष मॉल में खेल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का मेरे चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम लोग जाने वाले हैं मार्केट, तो उससे पहले चाय वगैरह पी लें। तो यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और फिर झाड़ू वगैरह भी निकालना है क्योंकि लौटते टाइम शाम हो जाएगी, फिर शाम को झाड़ू नहीं लगाया जाता। तो अभी लगभग 3:30 या 4 हो रहे होंगे, मैंने देखा नहीं शाम के। और मैं यहाँ पर है ना चाय बना रही हूँ, तो और आज मैं थोड़ा जल्दी चाय बना रही हूँ क्योंकि चाय वाय पी के हम थोड़ा सा मार्केट जाएंगे। और जो अभी मुझे झाड़ू वगैरह भी निकालना है तो वो भी मतलब झाड़ू वगैरह भी लगाऊंगी क्योंकि फिर आते आते थोड़ा और मतलब टाइम लग ही जाता है मार्केट में। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई है और अभी ये भी हैं घर पे इस वजह से, और बेटी और बेटा बच्चे मतलब कि दोनों सो रहे हैं तो अभी उनको भी उठाऊंगी। पहले मैं ना झाड़ू वगैरह निकाल लूँ और चाय भी बन गई। चाय तो बच्चे पीते नहीं हैं, सिर्फ हम दोनों ही पीते हैं चाय। और फिर मार्केट जाएंगे तो मैंने सोचा अभी चाय बना लूँ और चाय वाय पी कर फिर मार्केट जाएंगे, तो मार्केट नहीं मॉल जाएंगे। और घर से निकलने से पहले सारे काम निपटा लो जो भी हों वो। तो मुझे तो ऐसा लगता है जो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने बर्तन वगैरह भी सब रैप में जमा दिए हैं जो दोपहर के धुले हुए रखे थे। तो घर से निकलने से पहले ये काम भी ज़रूरी है, फिर आकर करना पड़ता है। तो बर्तन वगैरह मैंने सब जमा दिए हैं और अभी सिर्फ चाय वाय के हैं तो वो सब मैं साफ कर लूँगी, उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह निकालूँगी क्योंकि अभी तो थोड़ा सा टाइम है जाने में। और बच्चे भी दोनों उठ गए हैं तो उनको भी तैयार करूँगी। पहले मैं ना झाड़ू वगैरह निकाल दूँ वो, फिर और फिर मैं बच्चों को भी तैयार करूँगी दोनों को। और बच्चे मतलब बेटू तो अभी बहुत छोटा है तो उसे तो तैयार करना पड़ता है मुझे, टूटू तो अपने आप से थोड़ा बहुत हो ही जाती है। तो सारे घर में मैंने झाड़ू लगा लिया तो सारा कचरा निकल आया था। भले ही दिन में 2-3 बार मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, और बच्चों वाले घर में तो ऐसा ही होता है कि दिन में 2-3 बार भी झाड़ू लगा लो तो कम है। और उसके बाद हम रेडी वगैरह हो गए थे। नया मॉल खुला है इसी दिन जा रहे हैं, मॉल में सामान खरीदने जा रहे हैं, चला लग गया। अब चले हम स्कूटी से मॉल, पहले कार से जा रहे थे फिर कार चालू नहीं हुई तो अब स्कूटी से जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ से मॉल है ना पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम सोच रहे थे कार से चले जाएंगे। बारिश वाला मौसम हो रहा था पर कार में कुछ खराबी हो गई थी इसलिए कार से नहीं गए, फिर हम स्कूटी से ही गए। और ये था मॉल और नया नया बना है अभी, तो इसमें भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी और ज़्यादा पड़ा भी नहीं है, छोटा ही है। और यहाँ सीढ़ियों में सारे सामान का नाम भी लिखा था क्या क्या मतलब मिल रहा है इस मॉल में। तो यहाँ पे ये देखिए मतलब कप वगैरह भी अच्छे रखे थे और मैंने छोटी छोटी सी कढ़ाई भी देखी थी और मैंने ख़रीदी नहीं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बर्तन रखे हैं। तो ग्रॉसरी का सामान भी बहुत सारा था और सब सामान की अलग अलग लाइनें इस तरीके से बनी हुई थी। और यहाँ पर डोरमेट भी मिल रहे थे तो वो मैंने ख़रीद लिया था एक, और बेटू को मिल गया था उसका फ्रेंड, मतलब फ्रेंडशिप कर ली थी इस लड़के से, मतलब ये भी बेटू के ही एज का है और खुद के मुंह में उंगली रख रहा था पहले, फिर उसके मुंह में रखने लग गया उंगली और पूरे मॉल में ऐसे ही घूमता रहा। फिर बड़ा अच्छा लग रहा था उसको मॉल में। और बच्चों को अपनी उम्र के बच्चे मिल जाए ना तो उनके साथ में बहुत खेलते हैं। बेटू भी बड़ा खुश हो रहा था इसको देख कर। और ये देखिए अच्छे से खेल रहे थे दोनों। और यहाँ पर मैं ना बैग वगैरह देख रही थी तो सब कुछ सामान था, ज़्यादा नहीं था पर कम था, पर था सब कुछ सामान यहाँ पे। रुद्राक्ष मॉल में खेल रहा है। चलो चलो चलो, गाड़ी चली, चुक 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 चुक।
और यहाँ पर मैं कुर्ते वगैरह देख रही थी, लेट जाए और अपने लिए मतलब कुर्ते या साड़ी ना देखें ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं घर जाकर दिखाऊंगी क्या क्या सामान लिया है मैंने। तो अभी हम है ना फर्स्ट फ्लोर पर थे, अब हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पर। सामान ले लिया, बस एंटर ले लिए। और अब हम लोग आ गए ग्राउंड फ्लोर पर, और ग्राउंड फ्लोर पर ग्रॉसरी का सामान था और फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल ये सारी चीज़ें थी। तो इसमें है ना दो ही फ्लोर बने हैं, अभी तीसरा फ्लोर बनने वाला है, मतलब तीसरा नहीं दूसरा। और हमने इतना कम सामान लिया था, ये देखिए ट्राली में रखा है, अभी पेमेंट नहीं किया है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है पेमेंट की जगह पर भी। तो थोड़ा सा सामान और देखने लग गए थे हम, यहाँ पे पीनट्स लड्डू रखे थे तो वो मैं देख रही थी, और यहाँ पे ये देखिए शैम्पू वगैरह भी रखे हैं। तो मैंने कुछ नहीं ख़रीदा क्योंकि शॉप से ले आते हैं सारा सामान, तो यहाँ ज़रूरत भी नहीं, वो तो ऐसे ही टूटू का मन था देखने का इसीलिए आ गए थे। और टॉयस तो इतने सारे थे कि बच्चों का मन बार बार टॉयस पर ही जा रहा था। और टूटू ने अपने लिए एक कम्पॉक्स ले लिया था, उसको चाहिए थी डॉल भी, पर मैंने मना कर दिया था क्योंकि ये हर दिन नए नए खिलौने लाती है और ज़्यादा चलाती नहीं है, टूट जाते हैं फिर उधर उधर डाले घूमती रहती है। तो इससे अच्छा उसको ऐसी चीज़ दिलाओ कि उसके काम आए। तो यहाँ पे वेजिटेबल वगैरह भी रखी थी, पर हमने वेजिटेबल तरफ हम गए भी नहीं हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल तरफ, और वो तो वैसे भी मार्केट से ही लेकर आते हैं। और यहाँ पे मैं बेटू को बाहर लेकर आ गई थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रो रहा था अंदर, क्योंकि ये करवा रहे थे पेमेंट, और पेमेंट जहाँ हो रहा था ना वहाँ इतनी सारी भीड़ थी कि मुश्किल से जाके इनका नंबर आया। अंदर बहुत रो रहा था इसलिए मैं इसको ना बाहर लेकर आ गई थी। बेटू बेटू बात कर लो, अच्छा देखो का चलिए अब हम घर पे जाकर ही बताऊँ क्या क्या लिया है सामान। बेटू को मैंने थोड़ी देर है ना बाहर घुमा लिया था तो फिर वो अच्छा हो गया था, और उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आकर मैं लग गई हूँ चाय बनाने क्योंकि भीड़ भाड़ में इतना सिर भारी हो गया था, तो चाय से थोड़ा अच्छा हो जाएगा और ये भी पी लेंगे चाय, फिर ये मार्केट जाएंगे कुछ काम से। तो यहाँ पर मैं ये वाला डोरमेट लेकर आई थी, ये देखिए ये प्लास्टिक का है और मेन डोर के लिए अच्छा है क्योंकि इसका कलर ब्लैक है तो गंदा भी नहीं होगा जल्दी से। फ्रेंड्स राधे राधे, वेलकम बैक टू माई चैनल, और बताइए आप सब कैसे हैं, आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी हम मॉल गए थे, मतलब हम गए थे 3 बजे के करीब 3:30 बजे के करीब, तो क्योंकि शाम को जा नहीं पाते, बेटी की मतलब कोचिंग वगैरह थी तो इसीलिए, और उसको मैम पढ़ाने आती हैं 5:30 पे आ जाती हैं, कहीं 6 बजे आ जाती हैं, तो शाम को हम जा नहीं पाते इसलिए हमने सोचा कि अभी घूम आते हैं। और आज ना तो मतलब बच्चों को भी स्कूल नहीं जाना था और ये भी ऑफिस से आ गए थे, और जो भी कार्यक्रम था वो मतलब हो गया था, उसके बाद घर आए। तो फिर 3 बजे हम लोग 3:30 पे गए थे मॉल, और थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लाए वहाँ से। तो मॉल में गए ना तो हमने सोचा थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ली जाए, और अभी ओपन हुआ है न्यू मॉल है तो देखने गए थे, तो थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ली थी, और टूटू का बहुत मन था मॉल जाने का तो उसकी वजह से हम लोग भी चले गए थे, और थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ली थी क्योंकि कहीं पर भी जाते हैं ना तो कुछ भी चीज़ अच्छी दिख जाए ना तो शॉपिंग कर ही लेते हैं, और थोड़ी सी शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी 7 बज चुके हैं तो अभी थोड़ी देर बाद है ना मुझे डिनर की भी तैयारी करनी है क्योंकि डिनर नहीं बनाया अभी मैंने, और उधर से भी हम मतलब थोड़ा बहुत कुछ खाया आए थे, और आज मैं पुलाव बनाऊंगी डिनर में, तो इसलिए मैं अभी है ना दिखा भी देती हूँ क्योंकि बेटू अभी बाहर गया है अपनी डैडी के साथ में, और टूटू भी बाहर है, उसने भी कोचिंग वगैरह पढ़ ली है तो वो दोनों बाहर हैं, तब तक मैं दिखा देती हूँ, नहीं तो फिर वो दिखाने भी नहीं देंगे, मतलब जी रहता ना बच्चों के साथ में कुछ ऐसा कर नहीं पाते। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, और मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लिया करें जिससे आने वाले हर ब्लॉग का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपनी शॉपिंग बताती हूँ, मैंने ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं की, थोड़ी सी की है वही मैं आपको दिखा दूँगी, चलिए दिखाती हूँ।
ये देखिए इतनी सारे कपड़े लेकर आते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ली थी ये वाली टी शर्ट, और सबसे पहले मैं इनकी दिखा देती हूँ क्योंकि फ्रेंड की कोई नहीं देखेगा। तो ये वाली टी शर्ट इन्होंने ली थी एक, और एक ये वाली टी शर्ट ली थी, और बेटू को ये वाली टी शर्ट, और एक ये वाली बहुत पसंद आई थी मेरी। तो इसमें पॉकेट भी है थोड़ी सी, छोटी सी थोड़ी सी नहीं, छोटी सी पॉकेट है। तो ये वाली बहुत पसंद आई थी मुझे बेटू को, और एक ये वाली। तो इसका और इस वाले का कलर थोड़ा सा सेम है, ज़्यादा नहीं। तो डिजाइन अलग अलग है, ये देखिए दोनों अच्छी लग रही है। इसके साथ में, इस वाले के साथ में ये वाला पैंट आएगा, इन दोनों के साथ में कोई भी पैंट नहीं आया, तो अलग से ही कुछ पहनाना पड़ेगा। और घर में पहनने के लिए कपड़े हैं ये, और ये ब्लाउज लेकर आई थी मैं, इसमें ये स्टिकर लगा है 299 का एक ब्लाउज पड़ा है। और एक ये वाला प्लाजो लेकर आई थी, ये भी 299 का, तो दोनों सेम है रेंज में। और एक ये वाली कुर्ती, ये देखिए ये वाली कुर्ती है एक, इसका कलर अच्छा लगा, इस वाली का नहीं, उसको अच्छा लगा। और डेली वेयर के हिसाब से अच्छी है कपड़े। और एक ये वाली कुर्ती, दोनों सेम ही है, प्रिंट अलग है और कपड़े में दोनों सेम ही है, डेली वेयर के हिसाब से अच्छी है। और टूटू के लिए ये वाली फ्रॉक इधर से दिखाती हूँ, ये इधर से दोनों साइड से पहन सकती हूँ। एक ये वाली फ्रॉक, ये वाली सबसे अच्छी लग रही, दोनों ही अच्छी हैं घर में पहनने के लिए। और मेरे लिए ये चुन्नी लेकर आई थी, देखिए इसमें है ना सितारे लगे, हल्के हल्के से बारीक वाले सितारे, देखिए। तो ये वाइट कलर में लेके आई क्योंकि वाइट बहुत से सूट में या कुर्ते में चल जाती है। और कुछ खाने के लिए नमकीन, और कुछ बच्चों ने निकाल लिए, और ये चीनी का पैकेट शायद फ्री आया है इन सब के साथ में। और ये बेटू की बॉल, बेटू की बॉल, चीनी, ये वाला नमकीन, और कुछ कुरकुरे चिप्स वगैरह भी लेकर आए थे तो बच्चों ने निकाल लिए, टॉफी वगैरह। तो यही सारा सामान लेकर आए थे, तो ऐसे ही जनरली घूमने गए थे, शॉपिंग करने नहीं गए, फिर भी इतनी सारी शॉपिंग हो ही गई। तो चलिए ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।